आपने आज प्रभु को ग्रहण किया और आज आप बहुत ही लगन के साथ प्रभु के साथ हैं, बहुत ही विश्वास के साथ प्रभु के साथ हैं, बहुत खुश रखते हैं आप प्रभु को। परंतु एक बात आपके जीवन के लिए, जब आप मसीह में चल रहे हैं, तो जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको ठहरा दिया है, अपनी संतान आपको बनाया, आपको अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया है बीमारी के ऊपर, हर एक वो पाप जो आपके ऊपर नियंत्रण करके रखता था उसको आज यीशु ने आपके जीवन से हटा दिया है। फिर जब आप मसीही जीवन में चल रहे हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर के अंदर पछतावा हो, परमेश्वर दुखी हो। हालेलुया। जानते हैं, जब भी परमेश्वर किसी भी बात के लिए ना बोलता है तो आपकी, आपका जो अंगीकार है उस समय ना होना चाहिए। यदि परमेश्वर किसी बात के लिए हां बोलता है तो आपका भी अंगीकार हां होना चाहिए। हालेलुया। जानते हैं, जब परमेश्वर आपको कहता है किसी चीज को त्यागने के लिए, तो आपको उसे त्याग देना भला है। यदि आप नहीं त्यागते तो जो कुछ आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। आज भी आप लगाव बना के रखते हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया। ध्यान से सुने, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया आपने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। आपने चोरी करना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, सब चीज आप छोड़ दिए। परंतु एक भी चीज आपके अंदर लगा है, आपके दिल से बना है, वो चीज आपके जीवन से आशीषों को हटा सकता है। वो चीज आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है। वो चीज आपकी उन्नति को छीन सकता है, आपकी उन्नति को रोक सकता है। हो सकता है आप पहले आप गलत रिश्ते में थे, आपका किसी के साथ गलत रिश्ता था, परंतु आज आपने अंगीकार कर लिया कि मैं अब उसके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब परमेश्वर के साथ जीऊंगा। परंतु आपने व्यभिचार करना तो छोड़ दिया, लेकिन आज भी आपका लगाव उसके साथ है। आपके अंदर उसके प्रति अभी भी उसी तरह प्यार है। आप व्यभिचार नहीं करते, परंतु आप फोन से केवल बात करते हैं। आप सोचते हैं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, या फिर क्या सोचेगी मेरे बारे में। आप रिश्ते को बना के रखते हैं, आप करते नहीं व्यभिचार, परंतु आप बात केवल करते हैं। ये चीज आपके लिए घातक हो सकती है। ये चीज आपके आपके अंदर जो परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वो आपसे छीन सकता है। यदि आज भी आप कोमलता दिखाते हैं इन चीजों में, आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की योजना से आप हट जाएंगे, उसकी आशीषों से आप हट जाएंगे, उसके अधिकार से आप हट जाएंगे, उसके प्रेम से आप हट जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, व्यभिचार को छोड़ देते हैं, चलते रहते हैं काफी दिन तक, फिर कभी अगले जिसके साथ आपका गलत रिलेशनशिप था वो कॉल आता है, किसी का उसका कॉल आता है, फिर आप केवल बात करना शुरू कर देते हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं, आप वचन को भी पढ़ते हैं, आपको लगता है मैं तो केवल बात कर रहा हूं, मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन में नहीं हूं, परंतु ये चीज आपको घात करेगी। ये चीज आपको आपके परमेश्वर से दूर करेगी। हालेलुया। आप सोचिए, परमेश्वर ने कहा साउल से कि बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट करना है, और साउल ने केवल भेड़ बकरियों को जो अच्छी चीजें थी वो रख लिया। यदि आप मनुष्य विचार से समझे, यदि एक मनुष्य हैं, आप विचार करते हैं, तो आपके और एक व्यक्ति के विचार से क्या होगा, उसमें कौन सी गलत बात है, उसने सबको मारा,
अच्छी चीजें थी वो रख लिया, इसमें कौन सी गलती है भाई? वो बता रहा है, उसमें लिखा है बाइबल में अच्छी चीजें, अच्छी भेड़ बकरियां, उसको तो वो रख लिया, निकम्मों को मार दिया। अच्छी है ये तो अपने ही फायदे की होंगी, इसमें हमारा क्या नुकसान है? एक व्यक्ति का क्या नुकसान है? क्यों परमेश्वर ने उससे पछताया, उसे राजा बनाने से पछताया? उसने कौन सा गलत काम कर दिया? एक मनुष्य विचार से यदि हम सोचे तो अच्छी चीजें रखी हैं, आने वाले दिनों में काम आएंगी, उससे उसे बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, नष्ट ना करें। परंतु परमेश्वर जो कहता है वो मनुष्य के विचार से अलग है। इसलिए पहले ही परमेश्वर ने कह दिया कि बिना कोमलता दिखाए, कोमलता का मतलब समझते हैं, जब आप किसी पे कोमलता करते ना, इसका मतलब आपका उसके साथ लगाव है, आपका उसके साथ एक प्रेम है, उसके प्रति एक लालच है, एक फायदा लेने के लिए आपके अंदर उसके प्रति लालसा है, बेनिफिट आप चाहते हैं उससे, आप अपने लालसाओं को पूरा करना चाहते उसके जरिए से। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बिना कोमलता दिखाए उसे क्या करना है? नष्ट कर देना है, मार देना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन शाऊल कोमलता दिखाया और आगे के लिए वो राजा नहीं रहा। हालेलुया। आपकी कोमलता, गलत चीजों के लिए आपकी कोमलता आपको आपके परमेश्वर से दूर कर देती है।